फिर से एक बार न्यू वीडियो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपने डायलर और कॉन्टैक्ट लिस्ट पर फोटो कैसे लगा सकते हो। जी हाँ गाइस, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो है मेरा यहाँ पर कॉन्टैक्ट शो कर रहा है। फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट में फोटो अप्लाई हो चुका है और उसी के साथ साथ यहाँ पर अपने डायलर पर फोटो लग चुका है। अपने डायलर और कॉन्टैक्ट में फोटो लगाना चाहते हो तो कैसे लगा सकते हो, बने रहिए मेरे वीडियो पे। और आपको मैं बता देता हूँ, अगर फ्रेंड आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो दिल से। तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब बटन पे जैसे क्लिक करोगे साइड में बेल आइकन घंटी मिलेगी और इस बेल आइकन घंटी पे क्लिक करके आपको यहाँ पर आल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर हम आल के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, वीडियो यहाँ पर एक बार लाइक कर देगा, यहाँ पर वीडियो लाइक कर देते। नीचे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में नाइस वीडियो सुपर वीडियो गुड वीडियो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अपने डायलर पे फोटो या अपने कॉन्टैक्ट में फोटो लगाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि मैं आपको एक ऐप का लिंक मैं अपने जो है वीडियो के कमेंट करोगे तो मैं अपने वीडियो के कमेंट में आपको जो है मैसेज के थ्रू मैं आपको जो है इस ऐप का लिंक दे दूंगा। आपको ये प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा, सीधा जो है मेरे वीडियो के कमेंट में जो कमेंट करेंगे और मैं उन्हीं के कमेंट के थ्रू मैं इनको जो है इस ऐप का लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड बात की जाए, आप इसको ओपन कर लीजिएगा। आप भी इस ऐप को जो है आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इंस्टॉलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको यहाँ पर बोलेगा, आपको जैसे आप ओपन करोगे तो ये ओपन करते गाइस यहाँ पर गो टू सेटिंग पे क्लिक करेगा, फिर इस पर फिर आपको इसमें क्लिक करना पड़ेगा, फिर इसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे बोलेगा आपको वैसे वैसे क्लिक कर लेना होगा। तो यहाँ पर से हम उतना क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर डबल टैप सिंगल टैप जो है यहाँ पर परमिशन देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर तुरंत परमिशन सब दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर सभी सेटिंग को जो है परमिशन दे चुका हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं बैक आता हूँ और जैसे मैं बैक आऊँगा तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपका ओपन होगा। और आपको जो है डायलर और कॉन्टैक्ट में फोटो लगाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डायलर पे क्लिक करना। जैसे आप डायलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है इस थेम्स वाले पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इस थेम्स वाले पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम इसमें क्लिक करके यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना, ध्यान रखिएगा यहाँ पर बैकग्राउंड पे क्लिक करते पिक इमेज पे क्लिक कर लेना। और यहाँ पर हम पिक इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से एक चूज इमेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर से कोई इमेज आप चूज कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाने के लिए कोई सा एक इमेज ले लेता हूँ। तो आप यहां पर आप देख सकते हो यहां पर से मैं एक इमेज ले चुका हूं और यहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर देख सकते हो फ्रेंड मैं आपको दिखा रहा हूं, आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि यहां पर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करते हैं गाइस, ये आपका जो है सेट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देख सकते हो जो है आपका इस तरह दिखेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा कि आप अपने फिर से वही वाले थीम्स पे क्लिक करना और जी आपका कलर बार बार चेंज हो रहा है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको हमेशा के लिए बदल सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप इसको हमेशा के लिए बदल सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हो अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपका जो है ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है देख सकते हो नंबर आपका ब्लू हो जाएगा। और आपको मैं कट करके दिखा देता हूँ मेरे कॉन्टैक्ट और डायलर पे फोटो लगा कि नहीं लगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, ओपन करते गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे डायलर पे फोटो लग चुका है और उसी के साथ साथ यहाँ पर मेरे कॉन्टैक्ट में भी फोटो लग चुका है। तो आप भी इसी तरह अपने डायलर और कॉन्टैक्ट में फोटो लगा सकते हो। वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।